अम्बाला से लेके मतलब अम्बाला से लेके लुधियाना तक एक नींद पूरी कर लिया निहारिका ने भी और मैंने भी। तो कैसा लगा सफर में? मजा आ रहा है हैं? फिर तो ना लागी लेके आ रहा है। पापा को खाने की चिंता हो रही है, खाना लेके नहीं आ रहा है। अरे 2 बजे तक आप इस ट्रेन में बैठे हो, ले आएगा, कोई बात नहीं, जितनी देर बाद लाए उतना अच्छा है। मम्मी कैसा लग रहा है फिर? मम्मी और पापा तो खाने की ओर ही देख रहे हैं। तो निहारिका के नाम पे है निहारिका कॉम्प्लेक्स यहाँ पे। तो कैसा रहा रात का? आपको कैसा लगा? एग्जीक्यूटिव लॉन्च में हम लोग रुके हुए थे न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पे। मतलब जिस हिसाब से पैसे लेते हैं उस हिसाब से फैसिलिटी यहाँ पे है नहीं। जैसे एसी बंद है और पंखे नहीं चल रहे हैं, मॉस्किटो हैं, लेकिन फिर भी है यह है कि हम लोग को ये फ़ायदा मिला कि ये जो बगल में सोफे लगे हुए हैं ये पूरा खाली था, तो हम लोग इन्हीं सोफे में लग गए। तो हमारे जो उधर रिक्लाइनर के लिए हमको हर घंटे के 500 रुपये देने थे, वो हमारे बच गए। तो अपना काम 2000 रुपये में मतलब 4 लोग का 6 घंटे के लिए हो गया। सो गाइस, दिस इज आदि, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आदि ब्लॉग। तो हम निकले थे लखनऊ से दिल्ली, शताब्दी से आए थे, कल रात पहुँचे थे 10 बजे और अभी मॉर्निंग के बजे हैं 5 और 6 बजे की हमारी ट्रेन है। और ट्रेन बड़ी स्पेशल है, तो ब्लॉग पूरा देखना और कहाँ हम जा रहे हैं वो आपको टाइटल से पता चलेगा। तो जा रहे हैं माँ वैष्णो देवी दर्शन के लिए, दिल्ली से कटरा का रास्ता है। अभी मैं आपको ट्रेन का नाम बताऊंगा बाद में, लेकिन मॉर्निंग 6 बजे की ट्रेन है और ट्रेन काफ़ी फेमस है इंडिया में। तो ब्लॉग पूरा देखना, फिर ट्रेन के अंदर की फैसिलिटी और सब कुछ क्या क्या मतलब रास्ता हमको कहाँ कहाँ स्टॉप पे जाएंगे वो सब आपको दिखाते हुए चलता हूँ। पहले हम निकलते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 14 पे और फिर वहाँ से पकड़ेंगे ट्रेन। वो 6 बजे की ट्रेन है तो 5 बजे है तो निकलते हैं उधर, फिर मैं आपको वहीं कैचअप करता हूँ प्लेटफॉर्म पर। तो फाइनली हमारी ट्रेन आ गई है, हम लोग का कोस्टा C7। तो इसमें क्या है कि करीब दिल्ली से कटरा तक इसका जो 1% का किराया वह है 1700 रुपये, वो भी मतलब इसमें 2 सेक्शन है, एक एग्जीक्यूटिव क्लास है और एक ऐसे सिटिंग सेक्शन है मतलब चेयर का। तो एग्जीक्यूटिव क्लास में आपको थोड़ा ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा, 3000 रुपये के करीब देना पड़ेगा। उसमें क्या है 2x2 के रेशियो में सीटें हैं और इसमें क्या है 3x2 के रेशियो में सीटें हैं। और ये चलेगी न्यू दिल्ली से मॉर्निंग में 6 बजे और दिन में 2 बजे पहुँचेगी, आपको कटरा पहुँचाएगी। तो ये ट्रेन हमारी जा रही है, हम लोग बैठ रहे हैं ट्रेन में वंदे भारत एक्सप्रेस दिल्ली से। मम्मी पापा लोग और निहारिका अंदर बैठे हैं। तो अभी आप स्पीड देख रहे हैं ना, है 127 किलोमीटर पर आवर की माता वैष्णो देवी कटरा वंदे भारत एक्सप्रेस। तो हम बैठे हैं इस ट्रेन में, हमारा कोच ये है। तो सीटिंग कुछ इस टाइप की रहती है, देखिए एक साइड 3 पे पुल है, एक साइड 2 पे पुल है और ऐसे स्पीड आपको शो होती है। जैसे भी है 127 किलोमीटर पर आवर, इसकी मैक्सिमम स्पीड ऐसे है करीब आपके 160-180 के करीब, लेकिन एवरेज स्पीड जो जाती है वो करीब 90 किलोमीटर जाती है। तो अभी स्पीड हो गई है 132 किलोमीटर पर आवर। क्या कहते हैं, हल्के चलती है ट्रेन में, मतलब ये गलत बता रहा है, ये मतलब ये है। और अभी 6:30 बजे हैं, अभी तक कुछ नाश्ता पानी कुछ मिला नहीं है और मेरी हालत है भूख से ख़राब, क्योंकि कल मैंने जब खाना खाया था वो खाया था हमने कहाँ पर, अलीगढ़ में मतलब ने खाना खाया था जो घर से बना के लाए थे। तो उसके बाद रात में चाय पी थी, उसके बाद टन करके सो गए थे अपना, हाँ 8:30 बजे। तो तब से मॉर्निंग में जल्दी नहा धो के तैयार हो गया था एकदम से। अभी भी आंखें क्या है कि ऐसा लगा कि नींद ही आ रही है फिलहाल। निहारिका और मैं बैठे हुए इधर, मम्मी और पापा बैठे हुए हैं इधर। पापा को मिल गई उनके मनपसंद चीज़ अखबार, पापा अखबार पढ़ने में मशगूल हो गए हैं, बिल्कुल अखबार पढ़ रहे हैं मस्त। इसी के साथ देखिए ब्रेकफास्ट आ गया। ब्रेकफास्ट में एक मसाला चाय का पैकेट मिला हुआ है और एक ही मिला हुआ है ओट्स डाइजेस्टिव बिस्कुट, जो मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अभी चाय के साथ क्या होता कुछ और मिले, क्योंकि पानी तो दिया नहीं उन्होंने, खाली ये दिया हुआ है चाय बनाने के लिए मसाला। तो अपना गोप्रो का था डिस्चार्ज, तो कल तक शताब्दी में आए थे तो उसमें बिल्कुल सीट के ऊपर था चार्जर, तो इसमें थोड़ा ढूंढने में मशक्कत तक की। यहाँ पर क्या है कि चार्जर है सीट के बिल्कुल बीचों बीच है और 2 पोर्ट है, मतलब 2 लोग बैठे हुए हैं तो 2 लोग अपना आराम से
स्टार्ट कर लेंगे। फिलहाल पानी की बोतल हमको मिल चुकी है मॉर्निंग में, अभी नाश्ता आने की बारी है। नाश्ते में देखते हैं क्या क्या नाश्ता है, उसी का इंतजार है हमको काफी देर से। तो जो फाइनल पहला जो स्टॉप आता है वो आता है अम्बाला, यानी कि हमने पहले उत्तर प्रदेश क्रॉस किया, उत्तर प्रदेश करके क्रॉस करने का दिल्ली, दिल्ली के बाद हरियाणा, हरियाणा के बाद हम लोग इंटर किए हैं पंजाब। तो अम्बाला इसका जो पहला मतलब स्टॉपेज है, सेकेंड वाला इसका फिर पड़ेगा आपका लुधियाना, फिर थर्ड इसका जम्मू तवी और लास्ट इसका कटरा, यानी कि पाँच चार स्टॉपेज में ये ट्रेन पहुँच जाएगी 8 घंटे में मतलब कटरा, वैष्णो देवी कटरा रेलवे स्टेशन को छोड़ देगी। कुल मिला के अभी तक का सफ़र काफ़ी आनंददायक है, चाय और बिस्कुट मिल चुके हैं, लेकिन इंतजार है अभी भी चाय का, नहीं का चाय का इंतजार, आपको इंतजार है नाश्ते का, तो इंतजार है इस निहारिका का, छोले और कुलचे का। 8 बज चुके हैं, नाश्ता आ रहा है, तो उसका दिखाता हूँ नाश्ते में क्या क्या है। तो ये आया इसके ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट में आलू का पराठा, दही, केक, सैंडविच और कटलेट। एक कटलेट मैंने खा के देखा, टेस्ट करने के लिए ठीक है मतलब नाश्ता, इतना सब कुछ नाश्ता है। निहारिका कह रही है कि क्या दिन में खाना कैसे खाऊंगी, बहुत ज़्यादा है, निहारिका का पेट है बहुत छोटा, तो अब इसका दोबारा दिन में का कोटा है, इसी के साथ हो जाएगा पूरा। तो ये है बाहर अम्बाला रेलवे स्टेशन, अम्बाला कैंट, क्योंकि एक्चुअली उतर के ध्यान रखते हैं 2 मिनट में इसके ना ऑटोमेटिक दरवाजे बंद हो जाते हैं, 2 मिनट के लिए ट्रेन रुकती है, पता बाहर आ गया तो फिर अम्बाला में ही रात गुजारनी पड़ेगी। अम्बाला से लेके लुधियाना तक एक नींद पूरी कर ली है निहारिका ने भी और मैंने भी, और फिर जैसे ही लुधियाना स्टेशन आने वाला था तो जोर जोर प्लान लगे, लुधियाना स्टेशन आने वाला जल्दी जल्दी अपना सामान लेके गेट तक पहुँचो, 2 मिनट रुकेगी तो नींद खुल गई। तो फिलहाल हम लोग लुधियाना में पहुँचे हुए, ये बाहर लुधियाना का रेलवे स्टेशन है, हम तो भैया बाहर उतरेंगे नहीं क्योंकि द्वारा तुरंत बंद जा रहा है इसका। तो यहाँ से अब ये ट्रेन चलेगी नॉन स्टॉप लगातार 3 घंटे चलेगी और सीधे हम लोग को पहुँचाएगी जम्मू तवी, तब तक हमारा लंच आ जाएगा। क्यों निहारिका ने सैंडविच नहीं खाया अभी, सही और सैंडविच इसने बजा कर रखा हुआ है, करिए मैं बाद में खाऊँगा। क्या है ऐसे मंडी का दिखा दिया और वो भी क्या हैप्पी केक है, हाँ केक भी है इसका, हैप्पी भी है, सब बचा हुआ है। हम लोगों ने पठानकोट क्रॉस किया तो उसका थोड़ा सा हिल्स टाइप का एरिया, तो इसमें क्या है ना कि मकान भी इंक्लाइन है, खेत भी इंक्लाइन है, आप देखो सामने ऊपर बहुत सारे आपको बिल्डिंग वगैरह दिखाई सब इंक्लाइन है, और पेड़ पेड़ तो सूखे सूखे थे, बीच में ऐसी नदियाँ हैं देखो, ये इसके बीच में रास्ता किसने बनाया बहुत टफ टास्क है रास्ता बनाना। तो कैसा लगा सफर में, मजा आ रहा है, हैं? फिर तना लागी लेके आ रहा है, पापा को खाने की चिंता हो रही है, खाना लेके नहीं आ रहा। अरे 2 बजे तक आप इस ट्रेन में बैठे हो, ले आएगा कोई बात नहीं, जितनी देर बाद लाए उतना अच्छा है। मम्मी कैसा लग रहा है फिर, मम्मी और पापा तो खाने की ओर ही देख रहे हैं नहीं यार क्या बोली, मैं नहीं खाऊंगी, थोड़ा खाएंगे थोड़ा। ये ऊपर देखो पहाड़ स्टार्ट होते हैं सारे। तो जैसे ही
जम्मू तभी क्रॉस हुआ और जो लोग कटरा तक जाने वाले थे उन लोग को मिला है लंच। इसमें है पनीर सब्जी, इसमें है चावल, इसमें दाल है, इसमें सीटी था और एक दिया है दही और दिए हैं दो पराठे। तो ये इस पैकेज में आपको मिलेगा। अगर आप दिल्ली से लेके कटरा तक आप टिकट बुक करते हो तो आपको मॉर्निंग में चाय और बिस्किट, उसके बाद आपको ब्रेकफास्ट में बहुत सारी चीज़ें जो मैंने आपको पहले दिखाई थी, और उसके बाद आपको ये लंच, मतलब पूरा खिला पिला के इंडियन रेलवे आपको माता वैष्णो देवी के दरबार की ओर भेजेगा। अब खाना कैसा था? बहुत बढ़िया। कैसा खाना? सिर्फ रोटी रोटी खाई, चावल और दाल बाहर नहीं आती है। तुम्हें कैसा लगा खाना? न्याय को सबसे अच्छा लगा छेना। अब छेना सबसे अच्छा लगा? न्याय को छेना सबसे अच्छा लगा। मतलब तो अभी हम लोग पहुँच चुके हैं, कहाँ पे मुझे मालूम नहीं, लेकिन यह है कि जम्मू तभी आने वाला होगा। किनारे किनारे रोड भी है, बहुत सारी टनल भी जाती हैं सस्ते। वो सामने जो रोड जा रही है वो भी जम्मू तभी जा रही है, नहीं जम्मू तभी नहीं कटरा, जम्मू तभी तो हम क्रॉस कर दिए हैं। तो ये रोड जा रही है कटरा और ये ट्रेन भी जा रही है कटरा। तो काफ़ी मतलब बाहर का मौसम देखते लगा कि गर्मी बहुत होगी, जिस हिसाब से हमने गर्म कपड़े रखे हैं। तो एक बैग जो बड़ा था वो शायद नहीं बढ़ता अगर हम थोड़ा मौसम का पूर्वानुमान लगाते, लेकिन आगे शायद वो बैग काम आ जाए क्योंकि ऊपर ना बादल बादल दिखाई दे रहे हैं, मे बी बारिश हो जाए दो तीन दिन के अंदर। तो अभी हम लोग हैं जम्मू तभी रेलवे स्टेशन पे। यहाँ पर भी दो मिनट के लिए रुकेगी ट्रेन और निहारिका यहाँ पर खड़े होकर बाहर देखने आई थी। मैंने कहा चल यार रेलवे स्टेशन तो देख ले पूरा, कम से कम ऐसा कुछ है रेलवे स्टेशन यहाँ पे, दरवाज़ा बंद हो जाएगा, तो इसलिए मैं बाहर ही जा रहा था के बारे। तो बाहर और का बिल्कुल घुपन दे रहा। ट्रेन निकल रही है टनल से जम्मू तभी से लेके कटरा तक, और अभी तक अभी एक ये चौथी टनल है जो मतलब सबसे बड़ी है, बहुत देर बाद मतलब उजाला, हाँ पाँचवीं है पाँचवीं। तो ये देखिए पीछे ये आ गया बाहर। कितनी है मतलब अभी ट्रेन हमारी पहुंची है तो मेरे पीछे इतनी भीड़ है और आगे देखो इतनी सारी भीड़ है। हाँ सिर्फ वैष्णो देवी माता के दर्शन करने के लिए लोग। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं कटरा माँ वैष्णो देवी, और अभी फिलहाल हम लोग ने टैक्सी ली हुई है और हम लोग जा रहे हैं मेन कटरा शहर के अंदर। उसके बाद की अपडेट में आपको दोबारा वहीं जाके देंगे। निहारिका के नाम पे है निहारिका कॉम्प्लेक्स यहाँ पे। फिलहाल हम लोग वहाँ नहीं जा रहे हैं, हम लोगों ने एक होटल लिया है वह, ये भैया हमको लेके जा रहे हैं जिसमें हम दो घंटे रुकेंगे, अपना सामान छोड़ के जाएंगे और इनको 500 रुपये दे देंगे। इससे मतलब ज़्यादा हमको कुछ करना नहीं, कल शाम को फिर से हम आके इधर रुकेंगे इन्हीं के होटल में। तो ये ठीक सामने है निहारिका कॉम्प्लेक्स, इसके जो बगल से गली निकलती है ना, इस गली में होटल विक्रांत में हम लोग ने अपने मतलब कपड़े एक्सचेंज वगैरह किए, नहाया धोया, ये यहाँ के ओनर है होटल के। तो हम लोग ने सिर्फ दो घंटे के लिए लिया ना रूम, 2 घंटे के लिए 500 रुपीज़ में 2 घंटे के लिए, और साथ में हम अपना मतलब सामान इसमें यहीं छोड़ के जाएंगे। बाकी कल को नेक्स्ट डे अगर वापस आएंगे फिर देखते हैं, कल या परसों जब भी वापस आएंगे तो भैया के यहाँ दोबारा आके रुकेंगे। तो भैया आपने नंबर बोल दो एक बार, 7889902602। बस बिल्कुल निहारिका कॉम्प्लेक्स के बगल में वाली गली में विक्रांत होटल करके नाम है, तो यहाँ आप आ सकते हैं आराम से, क्योंकि वो आपको थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ेगा अगर आप ज़्यादा लोग हो तब, मतलब अकेले आदमी के लिए ठीक है ना वो, सिंगल पर्सन के लिए ठीक है, अगर आप कोई फैमिली है बड़ी तो आप यहाँ आ सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको ये होटल विक्रांत सब रहेगा। बाकी इनके पास टूर एंड ट्रेवल के लिए गाड़ियाँ वगैरह सब कुछ हैं, साथ में सिम वगैरह सब कुछ यहीं मिल जाएगी आपको, तो तकलीफ नहीं होगी। तो ये था ब्लॉग दिल्ली से लेके कटरा तक, यहाँ आने तक, कटरा तक आने का। और क्या बोलते हैं, कैसा लगा आपको ये ब्लॉग बिल्कुल कमेंट करके जो बताइएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग आदि ब्लॉग के साथ। नेक्स्ट वाली ट्रिप हमारी और एक्साइटेड है क्योंकि मैं जब से जे एन के आया हूँ ना तब से बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। नेक्स्ट हम लोग जा रहे हैं माँ वैष्णो देवी के दर्शन, उसके लिए क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ हैं वो मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊँगा। तो स्टे ट्यून, सारे ब्लॉग देखते रहो सीरीज बाय सीरीज। मिलते हैं फिर से, गुड बाय।